सुनेगा गुड मॉर्निंग वाला। और ये अपना फोन, बहुत अच्छा काम किया गोंजी ने, लविश ने, उनके मम्मी पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस डूइंग वेल। सो गाइस, मैं उठ चुका हूँ, थोड़ा सा लेट उठा बिकॉज हम रात को जैसे कि 4 बजे के थे सोते सोते, और अभी हो रहे हैं 10:37 हो रहे हैं। सब कुछ फाइनलाइज कर दिया है मैंने ऑलमोस्ट। मैंने उठते पहले सबसे पहले वो काम किया है सारा कुछ, वेरीफिकेशन वगैरह जो भी था, क्योंकि नया चैनल है, सब कुछ वेरीफिकेशन मांग रहा था कुछ भी ऐड करने से पहले, तो सब कुछ कर दिया है डन। और अब बस मैं फटाफट से पहले कुछ खाऊंगा, नहाऊंगा, फिर हमने 12 बजे अपलोड कर देना गाना, तो अब पापा जी को देखते हैं कब दिखाता हूँ। अभी माहौल बना रहा हूँ उनको सरप्राइज देने का, सो लेट्स गो। जैसे भी होता है कोशिश करूँगा कि उनका रिएक्शन भी ले पाऊँ, सो लेट्स सी कैसे क्या रहता है। तो अभी मैं रेडी होता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ फटाफट से, तो अगले देखते रहिए। सो हे गाइस, मैंने गाना सुना दिया है डैड को, और पापा को भी, सबको बहुत बहुत पसंद आ गया है। ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है डैड, मतलब जवाब नहीं देते, वो कुछ नहीं बोलते उतना। सो जो भी है, जैसा भी है, उनको सुना दिया। अपना मेन मोटिव था उन्हें सुनाने का, वो अपन ने कर दिया। तो गाना देख लो, जिसने नहीं देखा जाकर देखो, सुनो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को गाना कैसा लगा। बस अभी मैं एक बारी रेडी हो जाऊँ, मैं रेडी नहीं हुआ था अभी, मैं नहा लूँ, और सिद्धांत आ रहा है अभी, फिर एक और प्लान है वो भी करते हैं, देखते रहिए। सो गाइस, सिद्धांत आ चुके हैं। हाय हेलो तो बोल दे यार, ऐसे बोल दे। हेलो सर। तो गाइस, हम जा रहे हैं फ़ोन लेने के लिए, वी आर प्लानिंग कि पिताजी को फ़ोन गिफ्ट दिया जाए। सो देखते हैं कौन सा लेंगे, तो हम निकल रहे हैं। सो गाइस, वी आर बाइंग OnePlus C2। OnePlus C2 हमें पसंद आया है। पहले लाइट बोल भाई, तू लाइट बोल भाई। OnePlus C2 बोल रहा है। C2 लाइट। C2 लाइट। C2 ना बोल। C2 लाइट। अभी दिखाते हैं। सो गाइस, फाइनली हम फोन ले आए हैं अपना। कौन सा था भाई ये? फिर मैं भूल गया। पढ़ के बोल दे। सच में भूल गया भाई। सी अपना नोड CE2 लाइट। OnePlus नोड CE2 लाइट। सुन, पहले प्रैक्टिस कर दो। नहीं, प्रैक्टिस ग्रुप भी हो रही है। ये अपना बिल, इसमें है अपना कवर, और बस यही है हमारे पास, और कुछ नहीं है। ये तो चार्जर वार्जर हो गया ना, हम तो छोड़ना ही नहीं देखते हैं। अपन तो गरीब है, गरीब है, वो तो देते ही नहीं है भाई। सच में भाई, अपने को अलग से लेना पड़ता है। और ये अपना फ़ोन, निकल जा भाई। क्या करेगा, निकाल ऐसे चला लो। ओए, देखते हैं अब कैसे क्या रहता है। पिताजी को देंगे, डांट पड़ने की पूरी पूरी आशंका है, बाकी लेट्स सी। कोई नहीं, मैं कंफर्मेशन करा दूंगा। ओ भाई, कंफर्मेशन और ये कंफर्मेशन आ रहा है। चलो गाइस, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। सो हे गाइस, फाइनली अब मैं आप लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11:10 हो रहे हैं, 11:11 हो गया। सो मैंने डैडी को फ़ोन दे दिया है, और डांट भी खा ली है। तो वो मतलब उनका, उन लोगों का यूज़ होता नहीं है, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के घर में भी होगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्या करना था। फिर मैंने जैसे जैसे बोल दिया, अभी तो रखा हुआ है, दे देंगे कल सुबह, तो कर देंगे उसको स्टार्ट 1-2 दिन में, और मना लेंगे उनको, कह देंगे। और बाकी बहुत सही दिन स्पेंड हो गया आज, सही हुआ आज, बढ़िया दिन निकल गया। और बाकी मैं अभी शाम में व्लॉग इसलिए नहीं किया था, फ़ोन लेके आकर एक काम था मुझे सिद्धांत के साथ, उसको निपटाना था, वो निपटाया।
फिर मैं आकर सो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था और रात को भी जैसे हम लेट सोए थे काफ़ी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। और गाने का अब तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड जिसने नहीं देखा, जिसने नहीं सुना, जाकर सुनो और लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप लोगों को गाना कैसा लगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे भी मेरे जो भी गाने आएंगे उसी चैनल पे आएंगे। और अपना प्यार बनाओ यार, बहुत ही दिल से और बहुत मेहनत से बनाई है चीज़, तो उसे सपोर्ट करो। बाकी आप लोगों के पास अब गाना, हमने अपना काम कर दिया। ऋतिक ने भी बहुत अच्छा काम किया, गोमजी ने, पुरवांग भाई ने म्यूज़िक बनाया था, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और बस जिस जिसका भी पीछे इसमें वो था, और जिमी भैया जिन्होंने फादर का रोल किया, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया काम किया। लविश ने जिसने वो बच्चे का रोल किया, तो सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। बैक एंड पे जो जिनके घर में शूट्स था, लविश के घर पे, उनके मम्मी पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो सभी ने, जितने भी लोग इस गाने के अंदर थे, सब ने बहुत 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 सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा काम किया है, सबका तहे दिल से शुक्रिया। और बस इतना ही बोलना चाहूँगा, और तो क्या ही कह सकते हैं। बस बहुत ही मतलब मेरे लिए इमोशनल मतलब मोमेंट था। मैंने काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि फादर के लिए गाना बनाऊँ, मतलब पीछे बहुत सी चीज़ें चल रही थी गाना बनाने से पहले, इसकी प्रैक्टिस भी मैं नहीं कर पाया था। मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा बन जाएगा, जिस हिसाब का रिस्पॉन्स आ रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है। मुझे पर्सनली भी अपना गाना ये मुझे बहुत पसंद आया। वैसे सबको आ जाते हैं अपनी चीज़ें, बट मैं अपनी चीज़ें मतलब ना रेयर ही पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ इसमें मैं और चीज़ ऐड कर सकता हूँ, तो मतलब हमेशा से मुझे ये रहता है कि हाँ मैं इसमें और चीज़ अच्छी ऐड कर सकता था या और हो सकती हैं चीज़ें। बट इस बार मुझे लगा कि हाँ ये कुछ बनाया है अपन ने, ये बनाया, बढ़िया चीज़ बनाई है हमने, बहुत मेहनत लगी थी। तो होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं आप लोगों के कमेंट रीड कर रहा था, जिन जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ऐसे ही प्यार बनाओ और उसको जितना हो सके शेयर करो, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। और लाइक करना, शेयर करना, होप करता हूँ आप लोग को व्लॉग भी पसंद आया होगा। और लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आप लोग को व्लॉग कैसा लगा। अभी कुछ दिनों से व्लॉग्स ऐसे ही आ रहे थे नॉर्मली, कि मतलब मैं इधर से उधर जा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो चुकी थी, क्योंकि सॉन्ग रेडी ही एक दिन पहले, मतलब रात को ही रेडी हुआ है। तो उस वजह से अब मैं आने वाले व्लॉग्स में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ, कुछ चैलेंजेस लेके आऊँ, मतलब चीज़ें लाऊँगा। आप लोग भी सजेस्ट करो कि क्या देखना पसंद करोगे, कोई चैलेंज हो, कुछ भी हो, मतलब आप लोग बताना। सो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे प्यार बनाए रखिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, पीस एंड लव, लव यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।